पंजाब भर में एक और खतरनाक वायरस का खतरा मंडलाने लगा है। महकमा सेहत पंजाब ने निपाह नामी वायरस के मुमकिन खतरे और फैलाव के पेश नज़र अलर्ट जारी करते हुए पंजाब के तमाम सीईओस को मरासला इस मुतालिक जारी कर दिया है। निपाह वायरस की इब्तदाई अलामात खांसी का आना, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना, तेज़ बुखार का होना और दौरे पड़ने जैसी अलामात शामिल हैं। मुतासरा शख्स की अमवात की शरह 74% है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, ज़ुल्कनैन राणा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुल्कनैन बताइएगा, एक नया वायरस है जो जिसका खतरा मंडलाने लगा है, किस तरह से बचा जा सकता है, क्या कहते हैं माहिरीन? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में एक और खतरनाक वायरस का खतरा जो है मंडलाने लगा है। महकमा सेहत पंजाब ने निपा नामी वायरस के मुमकिन खतरे और फैलाव के पेश नजर एक हाई अलर्ट जारी किया है और इस जो मरासला है इसके मुताबिक ये वायरस जो है वो चमगादड़ों और जानवरों से जो है वो होता है। खासतौर पर फलों की खाने की सूरत में अगर चमगादड़ ने किसी फल को खाया हुआ है और वो अगर खाया जाए तो उसमें निपा वायरस जो है वो पाया जाता है, जिससे मुतासिर शख्स जो है वो हो सकते हैं। इसी तरह से निपा नामी वायरस जो है वो हमसाया ममालिक में तेजी से फैल रहा है, जिसके खदशे के पेश नजर जो है वायरस को पाकिस्तान में हो सकता है के लिए जो है वो मरासला अब जारी किया गया है। इसमें महकमा सेहत का ये कहना है कि 74% जो है वो इसकी मौत की शरह है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसकी एहतियाती तदाबीर जो है वो की जाए। अगर किसी को खांसी और उसके साथ सांस में दुश्वारी का सामना होता है तो वो इलाज मुआवजे के लिए जरूर डॉक्टर से रजू करे। इसमें जो इनाम आता है उसमें ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ुल्कनैन तमाम तफसीलात के।